नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा दागर स्वागत करता हूं आपके टेक्निकल चैनल में। अब मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि एटीएम का पिन जनरेट कैसे किया था। जब पहली बार एटीएम आता है तो उसका पिन जनरेट करना पड़ता है, तो हम एटीएम के द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए जो पहुंचते हैं एटीएम पे। पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो एटीएम जो आपका एटीएम है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है एटीएम में। इस तरीके से आप जो चिप रहती है वो चिप की तरफ से आपको लगाना रहता है। जैसे आप चिप को लगाएंगे यहाँ पे आप को जैसे लिखा है प्लीज़ डू नॉट रिमूव योर चिप कार्ड, आपको चिप कार्ड रिमूव नहीं करना एंटायर ट्रांजेक्शन में। और इसके बाद में आप देखेंगे क्या आएगा, इसके बाद में आ रहा है आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप कोई भी नंबर प्रेस कर दीजिए 5 5 2 2 3 3 जो भी, और यस पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको पिन जनरेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना पहले खाता नंबर डाल देना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है। सही सही पे नंबर डालते हैं तो आपको करेक्ट प्रेस इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक खाते से लिंक है वही नंबर आपको डालना है, कोई भी अलग से नंबर आपको नहीं डालना है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में आपको वही प्रेस करेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका ट्रांजेक्शन बिंग प्रोसेस प्लेस वेट पर क्लिक आ जाएगा। और यहाँ से आपको साइड से आपको स्लिप मिल जाएगी, मीन्स आपका जो पिन है वो जनरेट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन नंबर पर एक पिन भेज दिया गया है जो आपके एटीएम कार्ड का पिन है, आपको उसको 24 घंटे में चेंज करना रहता है, ऐसा मोबाइल पर मैसेज आएगा। और इसी के साथ ये स्लिप भी निकल जाती है एटीएम से, उस पर भी यही सब कुछ लिखा रहता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरह के हम हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।